एकम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन लेके मैं हाजिर हाँ ऋषि सिंह राही। सब तो पहला झात मारा अज दी आम मुख खबरां ते। होंगकोंग च चल रहा अंदोलन होया हिंसक। पाकिस्तान ने दिती परमाणु हमले की धमकी। कश्मीर च हौली हौली हालात हो रहे हैं ठीक। राम रहीम ने फिर तो की पैरोल की मंग। हुण खबरां विस्तार नाल। हांगकांग च तीन महीने तो चल रहा अंदोलन हिंसक हो गया है ते इस नाल कानून व्यवस्था की स्थिति लई गंभीर खतरा पैदा हो गया है। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ 86 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਉਪਨਗਰ ਸੇਨ ਵਨ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਭੀੜ ਪਥਰਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 6 ਪਿਸਤੌਲਧਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੀੜ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਰਬੜ ਬੁਲਟ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ 215 ਗੋਲੇ ਚਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਬੀਤੇ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ 1997 'ਚ ਚੀਨ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਕੈਰਟ ਆਏਗੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। आज मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूं कश्मीर के ऊपर। कश्मीर का सिचुएशन क्या है, अब तक हमने क्या किया और आगे हम क्या करने जा रहे हैं। ये जरूरी इसलिए है कि ये एक अल्लाह की तरफ से हम एक उस मोड़ पे खड़े हो गए हैं जो पाकिस्तान की ये जो कश्मीर पॉलिसी है इसका एक फैसला कुन वक्त आ गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं आप सारी कौम को एतमाद में लूँ और आपको एग्जैक्ट सिचुएशन का बताऊँ कि हमारी कौम क्या करने जा रही है। पहले तो ये आज हम इस जगह पे क्यों खड़े हैं। जब मेरी हुकूमत आई तो हमारी पहली कोशिश ये थी कि हम इस मुल्क में अमन पैदा करें ताकि हम लोगों के लिए नौकरियां, तजारत बढ़ाएं, रोज़गार के मसले हैं। बल्कि हमारे मसले वही हैं जो कि हिंदुस्तान के भी हैं। वहाँ भी बेरोज़गारी है, वहाँ भी महंगाई है, वहाँ भी क्लाइमेट चेंज यानी जो मौसम की जो गर्म हो रहा है दुनिया में मौसम, क्लाइमेट चेंज उसकी वजह से उधर भी ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं और आगे उनको भी मसले आने हैं, हमें भी वो आने हैं। तो हमारी कोशिश ये थी कि सबसे दोस्ती करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों संयुक्त अरब अमीरात बहरीन ते फ्रांस की यात्रा तो मंगलवार को भारत आए। पीएम मोदी इन देशों के दौरे पर 20 बार 22 अगस्त को रवाना हुए सन। इस दौरान उन्होंने फ्रांस के बायरिट्स शहर च G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस तो बाद पीएम मोदी मरहूम साबका केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के घर जाके उन्होंने परिवार नाल मुलाकात की ते अपने दोस्त के साथी को श्रद्धांजलि भेंट की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों संयुक्त अरब अमीरात बहरीन ते फ्रांस की यात्रा तो मंगलवार को भारत परत आए। नरेंद्र मोदी इन देशों के दौरे पर 20 बार 22 अगस्त को रवाना हुए थे। इस दौरान उन्होंने फ्रांस के बायरिट शहर च G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस तो बाद पीएम मोदी मरहूम साबका केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के घर जाकर उन्होंने परिवार नाल मुलाकात की अपने दोस्तों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। तुहानू दस दईए कि बीते शनिवार को सीनियर भाजपा आगू अरुण जेटली का देहांत हो गया। फ्रांस के दौरे पर होने कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने अंतम यात्रा से शामिल नहीं हो सके सन। जेकर गल करिए प्रधानमंत्री के दौरे की तो कूटनीतिक तौर पर भारत लई प्रधानमंत्री का यह दौरा काफ़ी अहम रहा। एक पासे जिथे UAE ते बहरीन च सम्मान मिलिया उत्थे ही दूसरे पासे फ्रांस च अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाल मुलाकात दौरान पूरी दुनिया सामने उन्होंने कश्मीर ते भारत के पक्ष नूं मजबूती दिती। प्रधानमंत्री मोदी नूं इस दौरान UAE दी अपने दवले के तौर पर आर्डर ऑफ जायज़ नाल भी नवाजा गया। UAE दे राजा प्रिंस शेख मुहम्मद बिन जायद अल नहजान ने PM मोदी नूं इत्थे UAE दे सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाल सम्मानित किया। दूजे पासे जदों नरेंद्र मोदी बहरीन गए तो उत्थों दे द किंग ऑफ हमाज ऑफ रनेजा नाल सम्मानित किया गया। PM मोदी तो पहला भारत का कोई भी प्रधानमंत्री हुण तक बहरीन के दौरे पर नहीं गया। इस दौरान उन्होंने बहरीन नैशनल स्टेडियम च एक प्रोग्राम 15,000 भारतीय भाईचारे के लोगों को संबोधन किया। फ्रांस दौरे दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 सम्मेलन च शमूलियत की। खास गल यह है कि भारत विश्व देशों के इस समूह का हिस्सा नहीं। मेजबान देश फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों के सद्दे ते PM मोदी ने इस सम्मेलन च हिस्सा लिया। इस तो बाद राष्ट्रपति नाल प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने ट्रंप को दो टक जवाब देते हुए कश्मीर को भारत के पाकिस्तान विचाले का मुद्दा दसिया। अलीगढ़ के धनीपुर हवाई पट्टी से एक भयानक हादसा टल गया। इतने एक चार्टर्ड जहाज़ क्रैश होने कारण भज दौड़ मच गई। हालांकि इस हादसे जहाज सवार सारे ही लोग सुरक्षित बच गए। मंगलवार को अलीगढ़ के धनीपुर हवाई पट्टी से एक भयानक हादसा टल गया। इतने एक चार्टर्ड जहाज क्रैश होने कारण भज दौड़ मच गई। हालांकि इस हादसे जहाज सवार सारे लोग सुरक्षित ने। तुहानू दस दईए कि एक निजी एविएशन कंपनी के जहाजों की मुरम्मत लई इंजीनियर दिल्ली तो चार्टर्ड प्लेन च आए सन। प्लेन सवेरे दिल्ली तो अलीगढ़ आ रहा सी। लैंडिंग दौरान जहाज 11,000 वोल्टेज बिजली दी तारां नाल टकरा गया, जिस कारण जहाज क्रैश हो गया ते अग लग गई। हादसे तो बाद फायर ब्रिगेड अते पुलिस ने मौके ते पहुंच के अग ते काबू पाया। कश्मीर वादी च सोमवार को आम जिंदगी हौली हौली पटड़ी ते परतदी नजर आई। हालांकि ज़्यादातर दुकाना बंद रही, पर सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह आम वर्गी रही। 72 पुलिस थाना खेतरां तो दिन दीआं पाबंदियां पूरी तरह हटा लिया गया। कश्मीर वादी च सोमवार को आम जिंदगी हौली हौली पटड़ी ते परतदी नजर आई। हालांकि ज़्यादातर दुकाना बंद रही, पर सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह आम वर्गी सी। 72 पुलिस थाने खेतरां तो दिन दीआं पाबंदियां पूरी तरह हटा लिया गया। सोमवार सवेरे 10 बजे श्रीनगर समेत वादी के सारे मुख्य शहरों के कस्बों ज़्यादातर दुकाना खुल गई। शाम 5 बजे तो बाद भी दुकाना खुली रही, पर रेहड़ी फड़ी से फुटपाथ से समान बेचने वाले दिन भर सड़कों पर नजर आए। सड़कों पर निजी जनतक वाहन बीते दिनों के मुकाबले कितने ज़्यादा दिसे। अंतरराज्य जिला ट्रांसपोर्ट सेवा भी बहाल रही। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर भी आम वाहनों की गिणती एतवार के मुकाबले ज़्यादा रही। सारे सरकारी दफ्तर निर्धारित समय से ही खुले थे। उन्होंने मुलाजमान की हाजिरी लगभग आम रही। मुख्य कस्बों से जिला हैडक्वार्टर बैंक भी खुले। सकत्रेत भी मुलाजमान की हाजिरी 95% के करीब दर्ज की गई। कश्मीर वादी च प्रायमरी ते मिडल तो बाद सोमवार को हायर सैकेंडरी स्कूल भी खुल गई। मंडल कमिश्नर दफ्तर तो मिली जानकारी मुताबक सोमवार को पूरी वादी में करीब 2500 प्रायमरी ते मिडल स्कूल खुले। इन्हां विच विद्यार्थियों की गिणती 15% तो 80% तक दर्ज की गई, जबकि स्कूलों में स्टाफ की हाजिरी लगभग आम चली।
ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਹਤਾਸ਼ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਮੀਨਾ, ਡਾਊਨਟਾਊਨ, ਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਨੌਗਾਨ ਵਾਦੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।